14 साल उम्र में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री साधना ने 2 साल बाद ही कर ली थी। शादी अपनी रूमानी अदाओं से सिने दर्शकों को दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री साधना 60 के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। साधना अभिनय से ज्यादा अपनी खास हेयर स्टाइल को लेकर पॉपुलर हुई। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में सिंध प्रांत के कराची शहर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनका पूरा नाम साधना शिवदासानी था। साधना ने 2 दशक से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान कायम की। अपने जमाने की इस ख्यातनाम अदाकारा की 82वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर जानिए उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें। राज कपूर की श्री 420 से ली फिल्मों में एंट्री अभिनेत्री साधना ने महज 14 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। उनकी डेब्यू फिल्म वर्ष 1955 में रिलीज हुई श्री 420 थी। इस फिल्म में राज कपूर बतौर लीड रोल में थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मगर वर्ष 1968 में आई फिल्म लव इन शिमला उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद साधना ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हम दोनों, परख, एक मुसाफिर, एक हसीना, आरजू, वो कौन थी, मेरा साया, राजकुमार, वक्त, मेरे महबूब, एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में शामिल हैं। 16 साल की उम्र में शादी कर चौकाया, जहां एक तरफ साधना हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिना शोहरत की परवाह किए उन्होंने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली। फिल्म लव इन शिमला के सेट पर साधना की मुलाकात निर्देशक रामकृष्ण नैयर से हुई। वर्ष 1966 में साधना ने लव इन शिमला के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली थी। दिलचस्प बात यह है कि इस शादी के लिए साधना के परिवार वाले तैयार नहीं थे, मगर राज कपूर की मदद से इनकी शादी संभव हुई। आज भी मशहूर है साधना। हेयर स्टाइल एक्ट्रेस साधना न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रही, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म लव इन शिमला में पहली बार साधना को नए अवतार में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के निर्देशक आर के नैयर ने ही साधना को यह हेयर स्टाइल अपनाने को कहा था। न सिर्फ ये फिल्मों में बल्कि आम लोगों के बीच भी यह हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर हुआ, जो आज भी कई लड़कियों को बेहद पसंद है। इस वजह से बनाई अभिनेत्री ने फिल्मों से दूरी वर्ष 1995 में साधना के पति आर के नैयर का निधन हो गया था, जिसके बाद अभिनेत्री अकेली रह गई। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। खबरों की माने तो उस वक्त साधना हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें हैं। 25 दिसंबर 2015 को साधना ने हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर अपनी सुपरहिट फिल्मों और दमदार अभिनय के लिए हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, साधना जी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें, एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।